अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज जो है हम अपने फ्राइडे के वीडियो लेक्चर में अपने यूनिट नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनको रिवाइज करेंगे, और ताकि इसकी जो लर्निंग है वो आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, आपका यूनिट नंबर 5 जो है एनवायरनमेंट वो कंप्लीट हो गया है, एंड आई होप कि आपने उसकी लर्निंग जो है साथ साथ की है, और जिन बच्चों से मैंने क्लास में सुना है और उनको जो है आंसर्स नहीं आए, आई होप कि अब जो आपका ऑफ आया है आपने उसमें उनको लर्न कर लिया होगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है वो है यूनिट नंबर 11 द सोलर सिस्टम। इसकी रीडिंग भी आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, हमने इसकी जो वर्किंग की है वो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर कहते हैं खलाबाज को, तो हु इज एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर कौन होता है? तो आंसर इज एन एस्ट्रोनॉमर इज समवन हु स्टडीज थिंग्स इन स्पेस। कि एस्ट्रोनॉमर जो है वो होता है जो स्पेस में खला में चीजों के बारे में पढ़ता है। अब पढ़ने से मतलब ये है कि वो उनको स्टडी कैसे करता है, उनके बारे में जानता है, इंफॉर्मेशन जो है, नॉलेज है जो हासिल करता है, और फिर वो हमें देता है। सेम ऐसे जैसे हम तो कभी भी मून पे नहीं गए, लेकिन हमें मून की सरफेस के बारे में सब कुछ पता है। तो हमें वो किसकी वजह से पता है? हमें एस्ट्रोनॉमर्स की वजह से वो सब पता है। ठीक है, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज रोटेशन। रोटेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अर्थ की वो मूवमेंट जो वो अपने एक्सिस पे करती है उसको रोटेशन कहते हैं। हेयर आई विल एक्सप्लेन यू कि रोटेशन क्या है। ठीक है, एज यू कैन सी कि ये हमारी जो है ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ जो है इसके दो एक्सिस हैं। ठीक है, अब अर्थ जो है इनके राउंड जो है वो मूवमेंट करती है। ठीक है, अब उसके सामने होता है सन। ठीक है, अब अगर ये वाला पार्ट जो है मूवमेंट करते हुए यहाँ आता है तो इस यहाँ पर हो जाता है डे। ठीक है, और इस साइड पे होती है नाइट। फिर दोबारा ये जो है अपने एक्सिस पे घूमती है, और ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट जो है ये 24 आवर्स में ये कम्प्लीट करती है। ठीक है, जिससे एक डे बनता है। इस मूवमेंट को हम कहते हैं रोटेशन। ठीक है, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? रोटेशन। और वो मूवमेंट जो वो सन में अपने ऑर्बिट पे करती है वो कंप्लीट करती है 365 डेज में, उसको कहते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज रोटेशन। तो वो मूवमेंट अर्थ की जो वो अपने एक्सिस पे करती है उसे हम कहते हैं रोटेशन। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर कॉमेट्स। कॉमेट्स आर लम्प्स ऑफ आइस एंड डस्ट इन स्पेस। खला में डस्ट मतलब मिट्टी और बर्फ से जो लम्प्स का मतलब है ढेर, जो ढेर बन जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉमेट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉमेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स आर रॉकी ऑब्जेक्ट्स विद राउंड और इररेगुलर शेप। एस्ट्रॉइड्स जो हैं पत्थर से बनी हुई चीज़ें होती हैं जो राउंड शेप में भी हो सकती हैं, और किसी इररेगुलर मींस की कोई मखसूस शक्ल ना भी हो तो वो उसमें भी बन जाती हैं। ठीक है, पत्थरों के जुड़ने से जो चीज़ बनती है उसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड्स। आई होप कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। ठीक है, ये आपकी कॉपीज पर राइट हैं। अगर आप में से कोई इस वीक एब्सेंट था तो ये वाली जो वर्किंग है ये आपने अपनी कॉपीज पे कंप्लीट भी कर लेनी है। ठीक है।